और इनहिबिटर। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड डिक्रीज करता है या अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, मैंने बोला कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड डिक्रीज कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है इसको, एंजाइम एक्टिविटी को, तो उसी मॉलिक्यूल को हम इनहिबिटर कहेंगे। और जिस प्रोसेस से उस एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट किया जाएगा उस प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहिबिशन। क्लियर है मेरी बात आपको? मैंने बोला कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, डिक्रीज करता है, तो वो केमिकल कंपाउंड इनहिबिटर कहलाएगा। और जिस प्रोसेस में वो एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होगी या इनहिबिटर के द्वारा होगी उसे हम लोग इनहिबिशन कह देते हैं। इनहिबिशन के दो टाइप होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। इनहिबिशन के दो टाइप होंगे, एक होगा जिसे कहा जाता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। दोनों में क्या अंतर है तो समझिएगा यहां पे। देखिए सपोज करिए, यहां पे एक एंजाइम था, इस एंजाइम की इस साइट को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। तो सपोज करो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और यहां पे इसका सब्सट्रेट है और यहां पे इसका एक इनहिबिटर है या एक केमिकल है जिसकी शेप, या स्ट्रक्चर इस एक्टिव साइट से रिजेंबल करता है। मतलब ये स्ट्रक्चरली इस एंजाइम के सब्सट्रेट से रिजेंबल करता था। तो अब क्या होगा, मैंने बोला कि अगर कोई इनहिबिटर इनहिबिटर रिजेंबल करता है विद सबस्ट्रेट तो वो क्या कर सकता है, इट कंपीट विद सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ में कंपीट करेगा फॉर बाइंडिंग, ऑन एक्टिव साइट। ठीक है, वो उस सबस्ट्रेट के साथ में कंपीट करेगा कि वो एक्टिव साइट के ऊपर क्या कर जाए, बाइंड कर जाए। अब सपोज करो यहां पे बाइंड हो भी जाता है, मतलब ऐसा हुआ कि ये जो इनहिबिटर था इस इनहिबिटर ने इस एंजाइम के ऊपर बाइंड भी कर लिया, ये इनहिबिटर था इसने एंजाइम के ऊपर बाइंड भी कर लिया, तो ये जो बाइंडिंग होगी ये लूज बाइंडिंग होगी, इट इज नॉट टाइट बाइंडिंग, ये टाइट बाइंडिंग नहीं होगी। और दूसरी बात एक और है जो आपको याद रखनी होगी कि अगर ये एंजाइम और इनहिबिटर मिलके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना भी लेता है तो ये प्रोसेस बहुत रिवर्सिबल सा प्रोसेस है, मतलब ये वापस अलग भी हो सकते हैं। और यहां पे ना किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहां पे नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्यों प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था कि कोई भी सब्सट्रेट होता है जो इस एंजाइम में आके बाइंड करता है उसकी एक्टिव साइट में कुछ केमिकल ग्रुप होते हैं और सब्सट्रेट के कुछ केमिकल ग्रुप होते हैं, और जब दोनों ही ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक फिक्स केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहां पे जो इनहिबिटर है उसके पास में वो ग्रुप नहीं होंगे जो सब्सट्रेट के पास होते, जिस वजह से यहां पे किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं तो किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है क्या, नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? तो यहां पे होगा क्या, ये इनहिबिटर आके बस ब्लॉक कर देगा इस साइट को, ये इनहिबिटर क्या करेगा इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। और यहां पे ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, जो सब्सट्रेट था जो इससे बाइंड करना चाहता था एंजाइम से वो बाइंड नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें सबस्ट्रेट और वो केमिकल मॉलिक्यूल जिसे मैं इनहिबिटर नाम दे रहा हूं वो शेप में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आपस में कंपीट करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए।
और दूसरी बात, जब भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड करेगा तो वहां पे टाइट बाइंडिंग नहीं होगी और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना होने की वजह से कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, बट ये किसी सब्सट्रेट को बाइंड करने से रोक देगा क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा किसको, एक्टिव साइट को एंजाइम के ऊपर, और ब्लॉकेज हो जाने के कारण सब्सट्रेट इज नॉट एबल टू बाइंड ऑन दिस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। क्लियर है? और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स, ये एक रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स होगा, ये दोनों बाइंड करके ईआई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वापस ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब अगली बात यहां पे है कि इसका एग्जांपल क्या है, मतलब व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो देखिए आप लोगों ने मैंने एक जब रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, तो एक बताया था कि एक एंजाइम होता है जो बेसिकली है तो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम, लेकिन वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और उस एंजाइम का नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इफ यू रिमेम्बर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही इसका एग्जांपल है। कैसे? देखिए मैंने बताया कि एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है यहां पे जिसका नाम मैं दे रहा हूं सक्सिनेट, सक्सिनेट, और इस सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब इस सक्सिनेट ने इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसे मैं दे रहा हूं, कह रहा हूं फ्यूमरेट। क्या नाम दे रहा हूं मैं उसे? फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड आप कह सकते हो, एक नॉर्मल रिएक्शन है। कभी कभी क्या होता है, ये एंजाइम है तो एक्टिव साइट किसी होगी इसकी, ये क्या है सबस्ट्रेट है, ये जाके किस में बाइंड करेगा, इसकी एक्टिव साइट में एंजाइम की, और एंजाइम इसके ऊपर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करवाएगा और उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, फ्यूमरेट में। ऐसा ही हो रहा है? तो अगर ऐसा हो जाए कि इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड करने के लिए इस सक्सिनेट के साथ साथ एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ जाए जिसका नाम है मेलोनेट, तो वहां पे कोई भी फ्यूमरेट नाम का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अगर इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया ना इसके साथ में, तो यहां पे नो प्रोडक्ट फॉर्म, यहां पे किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इंस्टेड वो क्या कर देगा, ये मेलोनेट इस सक्सिनेट को ब्लॉक कर देगा कि वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पे बाइंड ना कर सके। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, वो आपको बहुत पसंद भी आएगा, आपके टाइप का एग्जांपल है वो। आप लोगों ने कभी सुना होगा अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, मतलब पेशेंट तो बाद में बनते हैं, पहले वो शराबी होते हैं। तो आपने सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, सुना होगा आप लोगों ने, आती रहती है खबरें न्यूज में। तो जैसे बिहार है, बिहार में भी वो शराब बैन है, बैन है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वो खुद बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल में जो अल्कोहल प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो कंज्यूम की जाती है, वो होती है इथाइल अल्कोहल। कौन सी होती है? इथाइल अल्कोहल। और वो गलती से जिसको पी लेते हैं उसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। तो सपोज करो किसी ने अल्कोहल प्रोडक्शन करा, मिथाइल अल्कोहल वहां पे बननी वो चाहिए थी, अब उसने उसको कंज्यूम किया, अब कंज्यूम करने की वजह से क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसकी बॉडी के अंदर, और इट मे लीड टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल। तो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सहारा लिया जाता, मतलब ये कॉन्सेप्ट इस पेशेंट को बचाने में यूज होगा। कैसे? उसका इलाज होगा क्या, उसको ड्रिप से ये चढ़ाई जाएगी अरे सच में उसको ड्रिप से ये नहीं, सिमिलर नहीं है ये दोनों देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये इथाइल अल्कोहल जब जाती है तो हमारे अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होता है? ये इस अल्कोहल को मेटाबोलाइज कराता है, मतलब ये इसके लिए सबस्ट्रेट है और ये इसका एंजाइम है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होता है, वो पर्सन इथाइल अल्कोहल तो उसने पी नहीं है,
उसने पी है कौन सी? मिथाइल अल्कोहल। तो देसी ये, अंग्रेजी विदेशी ये, तो कच्ची पी ली उसने, ये है अंग्रेजी वाली, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये हो गया क्या, इनहिबिटर। तो ये क्या करेगा, जाके इससे बाइंड करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म ये नहीं करा सकता, बस ये ब्लॉक कर सकता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को। तो हम क्या करते हैं, जो मिथाइल अल्कोहल है उसके मुकाबले इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देते हैं, कैसे, ड्रिप से, ठीक है। तो अब बोलो वाई का क्वेश्चन, कह रहा है नीट ही चढ़ा देते हैं, डाइल्यूट करते हैं उसको, मुंह से चकना खिला देते होंगे उसको। नहीं बेटा, मुझे मैं मुझे 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 उसकी सच में जानकारी नहीं, जितनी मुझे जानकारी थी मैंने दे दी, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसमें क्या होगा, ये दोनों कंपीट करेंगे आपस में, ये आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, किसके लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के ऊपर बाइंड करने के लिए। अब चूंकि देखो आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हाउ टू ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसका एक ही सीधा सीधा सा आंसर है कि आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दीजिए। तो देखो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन हमने ज्यादा कर दी, तो इनहिबिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चांसेस क्या होंगे, जैसे सपोज करो ये एंजाइम है और पहले 10 सब्सट्रेट थे, तो पहले 10 में से एक सब्सट्रेट जाके बाइंड करता तो प्रोबेबिलिटी कम थी, आपने क्या करा इसको 100 कर दिया, तो अब चांसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ दीज सब्सट्रेट आर हायर देन प्रीवियसली। जब पहले हमने देखा था कि 10 सब्सट्रेट थे तो चांसेस कम थे, और अब चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें इनहिबिटर से ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से रोका जा सकता है, और रोका कैसे जाएगा, यहां पे इनहिबिटर आके बाइंड कर लेगा, और सब्सट्रेट आके बाइंड कर लेगा, मैं यहां पे आके कौन बाइंड करेगा, सब्सट्रेट, ठीक है। और हमने क्या किया है, इनहिबिटर से ज्यादा किसको कर दिया है, सब्सट्रेट को कर दिया है। तो यहां पे भी ये कौन था, इनहिबिटर, ये कौन था, सब्सट्रेट, हमने इसको क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो चांसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ दीज इथाइल अल्कोहल इज हायर देन मिथाइल अल्कोहल। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट, बस ये याद मत रखना और लिखना भी मत, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नहीं, अगर किसी ने मेरे एग्जाम में और ये मेरे को ज्ञान देने की कोशिश करी कि और बना के इंग्लिश में लिख के चले गए कि कच्ची शराब और देसी शराब, बहुत मारूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को, घुटनों से मारूंगा, कौन ही छोड़ो, ठीक है। मैं सारी एमएमए की वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई करूंगा, अगर तुमने ये एग्जांपल लिखना है, ये कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज विल फॉर्म फ्यूमरेट, इनहिबिटर इज मेलोनेट, तो मेलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट, किस चीज के लिए, उसे बाइंड नहीं होने देगा किसके ऊपर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के ऊपर। इथाइल मिथाइल ये तो मैंने मतलब तुम्हें मजाक में पढ़ाया है, सच्ची बता रहा हूँ, ये बिल्कुल याद नहीं करना है इसको, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए समझाया था, अबे चुप रहो, ठीक है, इसे याद नहीं करना है, याद करना है ये वाला जो पहले बताया था, दो कंडीशन में, हालांकि एनसीईआरटी में इट इज नॉट गिवन, जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। तो देखिये इसमें केएम इंक्रीज होता है, इसमें केएम इंक्रीज होगा और वीमैक्स अनचेंज रहने वाला है, ये याद रख लेना इस बात को बस, ठीक है। इस वाली कंडीशन में KM क्या होगा, इंक्रीज होगा, Vmax अनचेंज। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फॉर एग्जांपल यहां पे एंजाइम है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप, एंजाइम की एक्टिव साइट ये है, क्या है, अब की बार क्या करें, ये इसका हो गया सबस्ट्रेट, ये इसका सबस्ट्रेट है,
और ये एक इनहिबिटर है। तो अब की बार सब्सट्रेट और इनहिबिटर में एक्टिव साइट की लड़ाई नहीं है, जैसे यहां पे क्या थी, सब्सट्रेट और इनहिबिटर एक दूसरे से शेप में एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर थे, रिजेंबल कर रहे थे, मोनल। यहां पे क्या है बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, नहीं है। तो क्या इन दोनों की लड़ाई इसके लिए होगी? नहीं होगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे इनहिबिटर क्या करेगा, एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट है, उसे मैं कह रहा हूं एलोस्टेरिक साइट। क्या कह रहा हूं, एलोस्टेरिक साइट। तो ये इनहिबिटर जाए और इस एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाए, कहोगे इससे क्या हुआ, एक्टिव साइट तो फ्री है, ये इनहिबिटर इतना नालायक है कि इसकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, कल्ले बाइंड करवा ले सबस्ट्रेट से बाइंड, नहीं हो सकता सबस्ट्रेट बाइंड, नहीं हो पाएगा। यही करता है साइनाइड आपके साथ, साइनाइड। रेस्ट इन पीस। अबे थोड़ा सा चक्के देखिए, थोड़ा सा लिटिल बिट। तो अरे वो अलग चीज है, अरे सुनो मेरी बात सुनो, ज्ञानी हूं मैं, पैसे लेता हूं इस बात को बताने के, तो मेरी बात तो सुन लो यार, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सच में। देखो मेरी दाढ़ी देखो तुम, मैं उसी मार्ग पे हूं अब। तो अब मेरा ज्ञान को सुनो आज, अब काली कर रहा हूं आजकल, सुनो मेरी बात। अब मैं बता रहा था क्या कि इसने इनहिबिटर ने इसके ऊपर बाइंड किया, तो सबस्ट्रेट इस पे बाइंड करता तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन इसने इनहिबिटर ने क्या कर दिया, इसकी एक्टिव साइट जो थी ना, इसकी जो एक्टिव साइट थी उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कुछ भी बाइंड नहीं कर सकता, एंजाइम ही खत्म। अब इसमें क्या होता है, एक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। उसी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के पास में साइनाइड जाता है और उसकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाती है, स्टॉप, और उसकी वजह से राम नाम सत्य है। फिर उस आदमी को यही याद होता है और आसपास वाले यही सुनने होते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें आप ये समझिए कि इसमें क्या हुआ, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इसका एग्जांपल यही है, और यही याद करना है। क्या याद रखोगे आप याद रखेंगे कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स है, उस साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, उसका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, उसका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वही है जिसको आप बहुत ज्यादा फेटल मानते हो, दैट इज साइनाइड। साइनाइड जाके ईटीएस को रोकेगा, और आप जानते हो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है साइटोक्रोम सी का, क्योंकि टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर की फॉर्मेशन भी यहीं पे हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की जर्नी भी यहीं खत्म हो रही थी, याद है आपको, तो उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दिस इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अच्छा इसमें वीमैक्स और इनके साथ में क्या होगा, तो अब की बार में केएम अनचेंज रहेगा और वीमैक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके बजाय, इंक्रीज तो कहीं से नहीं कहीं हो सकता बेटा, हर चीज डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो दिस इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ये दो एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, क्लियर है मेरी बात सभी को। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा कि एंजाइम के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, किसी एंजाइम में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आप देखिए किसी भी एंजाइम के अंदर दो हिस्से होते हैं, किसी भी एंजाइम में दो मेन पार्ट है, एक होता है प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, क्या कहते हैं उसे, एपो एंजाइम, और इसके साथ में जुड़ा होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट, और उस न�ॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर, क्या कहते हैं उसे, कोफैक्टर। और जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बनाते हैं जिसे कहा जाता है होलो एंजाइम, क्या कहते हैं उसे, होलो एंजाइम। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये एपो एंजाइम था ना, ये कैटालिटिकली इनएक्टिव था, मतलब ये बिना कोफैक्टर के कैटालिसिस नहीं कर सकता, मतलब कोई भी एंजाइम वाला फंक्शन नहीं कर सकता, तो ये इनएक्टिव था। जब इसने कोफैक्टर के साथ में बाइंड करा तो यही एपो एंजाइम क्या कहलाने लग गया, होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम क्या होगा, एक्टिव एंजाइम होगा ये, और ये कैटालिसिस कर सकता है, या आप इसे लिख दीजिएगा कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होते हैं ये, जिन्हें होलो एंजाइम कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको, पक्का क्लियर है। तो कोई भी एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव कब होगा, जब उसके साथ कोई कोफैक्टर जुड़ा होगा, अगर कोफैक्टर हटा दो तो वो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, याद रहेगी बात, पक्का याद रहेगी। तो बात यह है कि ये कोफैक्टर कैसे हो सकते हैं, तो इन कोफैक्टर्स को भी हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है, सबसे पहली कैटेगरी होती है जिन्हें कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है कोएंजाइम, क्या कहेंगे, कोएंजाइम। और तीसरे होंगे कौन से, जिन्हें कहा जाता है मेटल आयन, जिन्हें कहते हैं हम लोग मेटल आयन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप प्रोस्थेटिक ग्रुप,
भी एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो एक्वाएंजाइम के साथ जुड़ा होगा, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो एक्वाएंजाइम के साथ जुड़ा होता है, और मेटल आयन ऑर्गेनिक नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं इन एंजाइम। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इनके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है? देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप सबसे ज्यादा टाइट बाइंडिंग करेगा, सबसे ज्यादा टाइट बाइंडिंग किसकी होगी? प्रोस्थेटिक ग्रुप की, और ये क्या करेगा? उसको कैटालिटिकली एक्टिव बनाने का काम करेगा। कोएंजाइम जो होगी उसकी इसके मुकाबले टाइट बाइंडिंग नहीं होगी, इसकी ट्रांजिएंट बाइंडिंग होगी। ट्रांजिएंट का मतलब समझते हो? जब तक कैटालिसिस चल रही थी, कैटालिसिस चलने का मतलब है कि जब तक रिएक्शन होगा तब तक तो ये कोएंजाइम बाइंड करके रखेंगे, उसके बाद ये छोड़ के भाग जाते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? पक्का क्लियर है। और मेटल आयन क्या करते हैं? तो मेटल आयन का काम है जैसे ये एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, यहां पे कोई सब्सट्रेट है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सपोज करो बीच में कोई मेटल आयन प्रेजेंट है, मैंने एग्जांपल के तौर पे जिंक लिख दिया, जिंक एक मेटल आयन है, तो जिंक क्या करता है, एक्टिव साइट के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और इस तरफ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सब्सट्रेट के साथ में। क्या करेगा? एक्टिव साइट और सब्सट्रेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद में इस सब्सट्रेट को टाइटली बाइंड करने में मदद करता है, इसके अंदर एक्टिव साइट के अंदर। क्लियर है मेरी बात आपको? तो मैंने कहा क्या कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टाइटली बाउंडेड रहता है, विद एपोएंजाइम, ठीक है। अब मैं इसमें स्पेसिफिकली तीनों में अलग अलग ये नहीं लिखने वाला हूं कि ये इसे कैटालिटिकली एक्टिव बनाएगा, सारे कोफैक्टर क्या करते हैं किसी एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाने का काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? सारे के सारे कोफैक्टर क्या करते हैं? दे मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। तो अब चाहे वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों ना हो, वो चाहे आपके कोएंजाइम क्यों ना हो, और चाहे वो आपके मेटल आयन क्यों ना हो, तीनों का काम वही है, क्या करना, उसको कैटालिटिकली एक्टिव बनाना, उसके रेट ऑफ कैटालिसिस को बढ़ाना। अगर ये नहीं है तो एंजाइम नॉन फंक्शनल है, बिना कोफैक्टर के एंजाइम नॉन फंक्शनल है, याद रहेगा सभी को। तो यहां पे मैंने बोला प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक था, ये टाइटली बाइंडिंग बाइंडेड होता है विद एपोएंजाइम। इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल बता रखा है इन्होंने, हीम का नाम सुना आपने? तो हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ध्यान से सुनना। अबे हीम नहीं, हीम हीमोग्लोबिन के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग हीम कहते हैं, ठीक है। ए गधे, ठीक है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो कुछ करता भी है, ठीक है। ये मैंने बोला ये जो हीम है, ये हीम क्या करेगा, ये एक तो परोक्सीडेज, एक एंजाइम का नाम है परोक्सीडेज, और एक होता है कैटालेज, ये दो एंजाइम है जिनके अंदर ये हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है। मींस दे बोथ आर एंजाइम्स जिसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर कैटालेज या परोक्सीडेज के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है, कौन, हीम, और जो दूसरा वाला पार्ट है एपोएंजाइम वो तो प्रोटीन पार्ट होगा ही होगा। तो ये दोनों मिलके इन एंजाइम्स को बना रहे हैं। और ये परोक्सीडेज क्या करता है, तो आपकी एनसीईआरटी ये भी बताती है, इन्होंने बताया कि भाई हाइड्रोजन परोक्साइड होता है, हाइड्रोजन परोक्साइड, उस हाइड्रोजन परोक्साइड को ये वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक करने का काम करता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये हाइड्रोजन परोक्सीडाइज परोक्साइड को ये परोक्साइड डी परोक्सीडेज किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ये इन्होंने एक रिएक्शन है जो इन्होंने दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी के अंदर। क्लियर है मेरी बात आपको? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्लियर है। अब आते कोएंजाइम के ऊपर। कोएंजाइम भी जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी ट्रांजिएंट बाइंडिंग होती है। ट्रांजिएंट बाइंडिंग का मतलब है ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस, जब कैटालिसिस हो रही थी केवल उसी दौरान ये बाइंड करेंगे, बाकी जब रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो ये बाइंड नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? अब आपने याद होगा दो मॉलिक्यूल पढ़े थे, एनएडी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक और मॉलिक्यूल पढ़ा था आपने, याद करिए, एनएडीपी, ठीक है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और इसे कहते थे एनएडीपीएस, तो क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, यही तो था। तो इन सब के अंदर, एनएडी एनएडीपी के अंदर जो कोफैक्टर होता है वो एक विटामिन होती है, एक विटामिन का टाइप होता है जो इनके अंदर कोफैक्टर के तौर, कोफैक्टर कह रहा हूं, कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा है, कोएंजाइम एक तरीके का कोफैक्टर ही है, और उसका नाम है नाइसिन, उसका नाम है नाइसिन, नाइसिन नाम के जो विटामिन है वो एनएडी और एनएडीपी के अंदर कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रही होती है। क्लियर है मेरी बात? पक्का। अब मेटल आयन मैंने आपको बताया ये ऑर्गेनिक तो होंगे नहीं, तो इनका काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनवाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, किस किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे,
एक तरफ तो सारी मीडिया में ढंग से चटका दू, चटकाने लायक एक बार में चटका दूंगा परमानेंट के लिए, ऐसा हो जाएगा फिर तू, ठीक है फिर चटका तो ही तू तोड़ दूंगा मैं पंजे से, तोड़ूंगा सीधा बता रहा हूँ मैं, मान जाए मान ही, चल एक हो गई दो हो गई तीन हो गई सारी हो गई पागल है तू, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा इसके बीच में, एक तरफ तो ये सबस्ट्रेट के और दूसरी तरफ एक्टिव साइट, और इन दोनों को क्लोजर लाने में या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाने का काम करेगा, ठीक है। तो कोई भी मेटल आयन क्या करेगा, मैंने आपको बताया जैसे कोई एक एंजाइम है, उस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ठीक है, और यहां पे कोई भी मेटल आयन है, तो उस मेटल आयन के साथ में यहां पे जैसे सपोज करो सब्सट्रेट आना चाह रहा है, तो ये मेटल आयन क्या करेगा, सब्सट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, इधर एक्टिव साइट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगा, इसे पकड़ के यहां पे लाने का काम करेगा। क्लियर है मेरी बात, क्या किया इसने, इन दोनों को सब्सट्रेट को और एक्टिव साइट को मतलब एंजाइम को एक दूसरे के पास में लाने का काम करेगा, इससे क्या होगा कैटालिसिस बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा कैटालिसिस इंक्रीज होगी। क्लियर है मेरी बात आपको, एग्जांपल के तौर पे इन्होंने क्या रखा। अब से याद एक और बात रखना, आपको भविष्य में जैसे अभी मैंने आपको वो पढ़ाया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो मैंने फर्मेंटेशन के कुछ स्टेप्स बताए थे जिनके अंदर क्या हुआ था, मैंने कुछ ऐसे लिखा था जेड टू प्लस लिखा था, किसी में एमजी टू प्लस लिखा था, ठीक है। तो ये जो लिखे थे ना ये बेसिकली क्या थे, और आगे भी याद रखना जिंदगी में जब भी कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन में कोई भी आयन का नाम लिख दिया हो तो इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके का मेटल आयन है, और वो मेटल आयन क्या करेगा उस एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाने का काम करेगा। क्लियर है मेरी बात आपको, पक्का। अब यहां पे इसका एग्जांपल है कौन सा, इसका एग्जांपल है जिंक, और जिंक एक तरीके का मेटल आयन होता है, एक एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर। क्लियर है सभी को, अब लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, उस लास्ट टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ये इस साल नया ऐड हुआ है, पिछले साल भी था लेकिन डिलीटेड था, इस साल इसको ऐड किया गया है। तो नया टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कि हमारे एंजाइम्स की कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो देखिए किसी भी एंजाइम्स को हम लोग छह क्लासेस में बांटते हैं, कितने क्लासेस हैं, छह क्लासेस हैं। इसमें सबसे पहली क्लास होती है जिन्हें कहा जाता है बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। देखिए नाम से सजेस्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो एंजाइम्स जो कैटालाइज करते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, जो एंजाइम कैटालाइज करते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे सपोज एक कंपाउंड था जो एस है, जो बेसिकली ऑक्सीडाइज था, ठीक है, जो बेसिकली ऑक्सीडाइज था, तो ये एस नाम का सबस्ट्रेट था जो ऑक्सीडाइज था, और दूसरा यहां पे एक एसनॉट नाम का कंपाउंड था जो बेसिकली रिड्यूस था। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेंगे, जो एसनॉट पहले रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और जो पहले ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस जो पहले ऑक्सीडाइज था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो एसनॉट पहले रिड्यूस था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। क्लियर है मेरी बात आपको। दूसरे नंबर पे एक एंजाइम होते हैं बेटा जिन्हें कहा जाता है ट्रांसफरेजेस। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये किसी भी ग्रुप को किसी सब्सट्रेट से ट्रांसफर करते हैं। अब उस ग्रुप को हाइड्रोजन छोड़ के कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं एनी ग्रुप, और वो ग्रुप क्या होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन, फ्रॉम अ सब्सट्रेट टू अनदर, एक सब्सट्रेट से दूसरे सब्सट्रेट के पास में ये उस ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेंगे, और उस ग्रुप का क्या होना, हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सपोज करो एक एस था उसके साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ था, सब्सट्रेट एस है जी ग्रुप है, और एक और सब्सट्रेट है जिसे मैं एस नॉट कह रहा हूं। अब ये क्या करेगा, अगर ये ट्रांसफरेजेस होंगे तो ट्रांसफरेजेस ग्रुप को इस एस से हटा के एस नॉट के पास में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे क्या हो गया, एस अलग हो गया और एस नॉट के साथ में एक ग्रुप बाइंड कर गया। क्लियर है मेरी बात आपको। तो इसने क्या किया, ट्रांसफर किया किसी भी ग्रुप को। क्लियर है। अब तीसरा एग्जाम्पल या तीसरी क्लास जो यहां पे हमें पढ़नी है, उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं आपका हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस। तो हाइड्रोलेजेस नाम से पता चल रहा होगा क्या करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। तो
तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं ब्रेकडाउन को, ब्रेकडाउन को ऑफ बॉन्ड्स, कैटलाइज करते हैं बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन को. और कौन कौन से बॉन्ड ये ब्रेकडाउन कर सकते हैं, ये एस्टर, एथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, कार्बन हैलाइड और फॉस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर है मेरी बात? तो वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करे बॉन्ड का, अभी इनमें से कोई सही बॉन्ड होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस है यहाँ पे जो हमें पढ़नी है, उसे कहते हैं हम लोग, चलो तुम बोल रहे हो लाइसिस, पहले लाइसिस बता देता हूं. लाइसिस, लाइसिस का काम क्या है बेटा, ये बेसिकली दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और उनके सपोज करो ये यहाँ पे दो सबस्ट्रेट थे, कार्बन ये दो सबस्ट्रेट थे, और उनके साथ में दो ग्रुप जुड़े हुए थे एक्स और वाई. ये सबस्ट्रेट है, उसके साथ में एक्स और वाई ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो इन ग्रुप को यहां से हटाएगा, इनको रिमूव करेगा. और रिमूव करने के लिए हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई और मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, यहां से इन्हें हटाएगा ग्रुप को सब्सट्रेट से, लेकिन हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी अदर मैकेनिज्म से हटाएगा, हाइड्रोलिसिस यहां पे नहीं होना चाहिए. अब ये दोनों ग्रुप अलग हो गए, उसके बाद में ये क्या करेगा, इनके बीच में, इनके बीच में क्या बना देगा, इनके बीच में लीव करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को. इसमें एक्सवाई के बीच में दे रखा, कार्बन कार्बन के बीच में दे रखा, इन्होंने कार्बन कार्बन के बीच में दे रखा. तो यहां पे मैंने बताया कि इसने सबसे पहले लाइसिस ने रिमूवल करा ऑफ ग्रुप्स बाय मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी अदर मैकेनिज्म से इसने उन ग्रुप्स को रिमूव किया, और वहां पे क्या जो सबस्ट्रेट थे उनके बीच में लीव क्या किया, डबल बॉन्ड को लीव किया. तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लाइसिस. अब एक होते हैं आपके जिन्हें कहते हैं हम लोग आइसोमेरेसिस. अब नाम से पता चल रहा है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए. तो वो एंजाइम जो कैटलाइज करें ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक या स्ट्रक्चर आइसोमर बन जाए किसी का. मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ऑप्टिकल इमेजेस बन जाती है, लिवो या डेक्सट्रोरोटेटरी. तो हाँ, केमिस्ट्री में तो ऑप्टिकल इमेजेस क्रिएट करवा दे, या स्ट्रक्चरलाइज मतलब ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक का मतलब है कि उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन इनकी पोजीशन को बदल दे. और एक है स्ट्रक्चरल पोजिशनल, हाँ सॉरी पोजिशनल आइसोमर्स, उसमें किसी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल की पोजीशन को बदल दिया जाए. तो ये तीन तरीके के आइसोमराइजेशन कर सकता है. तो मैं बता रहा हूं आइसोमरेसिस वो कैटेगरी के एंजाइम है जो कैटालिसिस करते हो, कैटालिसिस करते हो ऐसा जिसमें या तो ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिक या पोजिशनल, या पोजिशनल आइसो मर बन जाए, उसे हम लोग कहते हैं आइसोमरेसिस. और लास्ट है हमारे लाइगेज. अब देखो नाम से लाइगेज का मतलब क्या होता है, लाइगेट करना, जोड़ना, क्या करना, दो कंपाउंड है उनको आपस में जोड़ना. तो जो लाइगेट करता हो वो होगा लाइगेज. तो ये क्या करते हैं, लिंकिंग करवाएंगे, ये कैटलाइज करेंगे, दे विल कैटलाइज लिंकेज ऑफ कंपाउंड. अब यहां पर कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं भाई, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, इसके अलावा कार्बन सल्फर और फास्फोरस ऑक्सीजन, ये इन बॉन्ड्स को बना सकते हैं. ठीक है, ये इन बॉन्ड्स को बना सकते हैं कौन, लाइगेसेस. क्लियर है मेरी बात आपको सभी को, पक्का? तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म.